शल बी स्टार्ट? यस विनय जी, यस। सो गुड इवनिंग टू ऑल हु हैव जॉइंड हियर, एंड स्पेशल थैंक्स टू सुमित जी फ्रॉम टीम कासा टू ऑर्गेनाइजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू हैव अ नॉलेज ऑफ जीएसटी, बिकॉज everything can be stopped but the flow of knowledge should not, and that is what Sumit ji always try to do. So thanks a lot again Sumit ji to arranging this, and I hope all the sessions were good. So let me share my screen. So a short introduction of mine. I am CA Vinay Tripathi. Being a qualified chartered accountant, I have been delivered n number of seminars on at CASA and other platform as well. So for today's topic, let me share my screen. So friends, today's the topic is accounts record return and registration under GST. So the area of discussion will be accounts and records, returns under GST, person liable for registrations. So these are the three parameters jo hum aaj yahan pe sikhenge, and sabse last mein hum dekhenge ki practical challenges kya aati hain and aapke क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो सर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार अगर आप लोग पिंग कर देंगे तो इट विल बी हैप्पी फॉर मी टू स्टार्ट कि वी आर अलाइव एंड वी आर इन द सेशन. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. तो सर पहले स्टार्ट करते हैं, ये टॉपिक अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, मेंटेन करना कितना कंपलसरी है. अगर हम इसके पहले लॉ पढ़ते हैं एंड फिर टेक अवे, सो हमारा पूरा सेशन यही होगा कि व्हाट इज रिटर्न इन द लॉ एंड उससे टेक अवे क्या है मेरा. सो सर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स सेक्शन 35 में मेंशन है अंडर CGST Act. लॉ पढ़ते हैं, वो कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अ ट्रू एंड अ करेक्ट अकाउंट्स ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स. ओके, द सेक्शन सेज, सेक्शन क्या बोलता है मेरे को, वो कहता है कि जी आपको प्रिंसिपल प्लेस पे बुक्स अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं. So, पहला लाइन क्या है, बिकॉज सर देखिए ईच एंड एवरी लाइन की इंपॉर्टेंस है इफ इट हैज बीन मेंशन इन लॉ. जीएसटी एक लॉ, उसके अंदर ईच एंड एवरी लाइन की अपनी इंपॉर्टेंस है. देर आर एन नंबर ऑफ डिबेट्स कैन बी हैपन एट अ पर्टिकुलर वर्ड्स. सो द टेक अवे हियर इज कि आपको मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शो करना है, क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड फिनिश्ड गुड्स वेस्ट और प्रोडक्ट बाय. यहाँ पे वो द फर्स्ट लाइन इज पर्टेनिंग टू दी जो मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, फैक्ट्रीज एंड ऑल, उनके लिए क्या क्या मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट. सो इट दे आर व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस कि आपको यहाँ पे मंथली बुक्स, मंथली अकाउंट्स जो कि क्वांटिटेटिव डिटेल दिखाएं ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फिनिश्ड गुड्स. सेकेंड लाइन में क्या है, वो कहता है कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. अगर आप इनवर्ड एंड सप्लाई ऑफ, वो कहता है इनवर्ड भी जो आप मतलब डे टू डे खर्चे वगैरह जो भी कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स, और जो आउटवर्ड जो आपकी कोर एक्टिविटी, लेट्स सपोज से वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या एक्स वाई जेड व्हाटएवर हम कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके जितने भी हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए बिल बना रहे होंगे, तो वो कह रहा है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, आउटवर्ड सप्लाई. सो ऑन आउटवर्ड सप्लाई इफ यू विल सी, यहाँ पे मेरा इसके रिकॉर्ड्स मांग रहा है, इसका मतलब क्या, वो कह रहा है कि सेल और परचेज के बिल्स आपको मेंटेन करने जरूरी है.
इंक्लूडिंग सप्लाई एक्ट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। सर आजकल बड़ा फेमस है, लेट्स जब भी असेसमेंट्स वगैरह हो रही हैं, सो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग हियर इज, थैंक यू, सो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग हियर इज इंक्लूडिंग सप्लाई एट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। सर रिवर्स चार्ज के इन्वॉइसेस मेंटेन करना स्टार्ट कर दें प्लीज, बिकॉज ये मेंटेन जब भी असेसमेंट वगैरह होती हैं या ऑफिसर आपके पास आता है तो आपको वो रिवर्स चार्ज के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। एंड लास्ट इज स्टॉक ऑफ अकाउंट्स। व्हाट इज स्टॉक ऑफ अकाउंट्स? द एचएसएन वाइज समरी ऑफ रिकॉर्ड्स रिसीव्ड supply, goods stolen, return off and closing balances. वो कह रहा stock of accounts का क्या मतलब है? HSN wise उसको records चाहिए, opening, received, supply, goods lost, stolen, return off and closing balance. So this is a particular single line जब हम accounts and records के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला क्या है कि production of manufacture of goods, इनवर्ड एंड आउटपुट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड स्टॉक, ये तीन तो मेंटेन करने ही करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड। यूटिलाइजेशन बाद में है, अवेल्ड के लिए भी वो कह रहा है कि आप जितना भी इनपुट टैक्स अवेल्ड कर रहे हैं उसके लिए हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। द फर्स्ट पार्ट इज इनवॉइस वाइज लिस्टिंग ऑफ इनपुट रजिस्टर टू बी मेंटेन। इसका क्या मतलब है सर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड का, कि हमें इनवॉइस वाइज लिस्टिंग मेंटेन करना है। आउटवर्ड टैक्स पेबल एंड पेड, सो सिंपल है, जो भी हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं उसका फुल प्रूफ बैकअप होना चाहिए। द लास्ट लाइन विच दे आर सेइंग इज सम अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये सम अदर डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं हमारे केसेस में फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड? तो बिल ऑफ सप्लाई हो सकते हैं आपके, व्हाट इज बिल ऑफ सप्लाई? जहाँ पे मेरे एग्जेम्प्टेड सर्विसेज वगैरह या एग्जेम्प्टेड गुड्स वगैरह मैं कुछ सेल आउट कर रहा हूँ या सप्लाई कर रहा हूँ, तो वो बिल ऑफ सप्लाई वहाँ पे काम आएगा। डिलीवरी चलान, ईवेबल रिकंसिलेशन। सर आप लोग सबको पता होगा कि 50,000 से ज़्यादा के अगर गुड्स हैं तो उस पर आपको ईवेबल मेंशन जनरेट करना कंपलसरी है। सर एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से हियर कि व्हाट इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज 48,000। सर ध्यान से सुनना सभी लोग कि द वैल्यू ऑफ गुड्स इज 48,000 एंड द टैक्स इज 4,000, टोटल कम्स टू 52,000। यहाँ पे ईवे बिल बनेगा या नहीं बनेगा? प्रीतम सेज नो, एडमिन सेज यस, प्रीतम कुमार विश्वकर्मा सेज यस। सो द आंसर इज यस, क्योंकि अगर हम ईवे बिल के प्रोविजन देखेंगे हियर व्हाट इट सेज कि द इनवॉइस वैल्यू शुड बी 50,000 और मोर। तो यहाँ पे हम 48,000 मेरी टैक्सेबल वैल्यू थी, जीएसटी उस पर 4,000 थे, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू इज में 52,000। सो इन दैट केस ईवे विल बी रिक्वायर्ड। सो देयर आर टू प्रोविजोस हियर वेयर वन मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट, द अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी केप्ट एट सच प्लेस। सो प्रोविजो फर्स्ट क्या है? सो दे आर सेइंग कि अगर लेट सपोज से सर मेरे सीए फॉर्म है इन दिल्ली, एंड इन दिल्ली लेट सपोज से अगर मेरा शास्त्री नगर में है। नाउ इफ आई एम ओपनिंग एन ब्रांच एट साउथ एक्स, द सेकंड ब्रांच इज ओपन एट लक्ष्मी नगर, तो मेरे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं मेरे हर एक ब्रांचेस पे मेंटेन होना कंपलसरी है। अगर वो मेरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में मेंशन है तो, व्हाट इफ अगर मेंशन नहीं है मेरे अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में, द क्वेश्चन हियर इज अगर मेरे रजिस्ट्रेशन में
सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब जीएसटी सर्टिफिकेट में मैंने एक ऑफिस खोला हुआ है, उस वो प्लेस मेंशन ही नहीं है. सो वेदर डू आई रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यस और नो? आयुष सेज यस. एनी अदर आंसर? आई थिंक आयुष यू आर राइट सर. द प्रॉब्लम हियर इज कि 1 लैकुना विच आई एम कैरिंग इज कि एक तो मेरा रजिस्ट्रेशन उसमें मेंशन है ही नहीं, विच इज एक्चुअली एक लैकुना, विच इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, और ऊपर से मैं बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा. सो देर इज अ डबल एक्चुअली इम्पैक्ट. सो इसीलिए द थिंग इज वेर एवर यू आर टेकिंग अ रजिस्ट्रेशन एंड शोइंग एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, सर वहाँ पे बुक्स मेंटेन करना स्टार्ट करवा दें. सेकेंड इज रजिस्टर्ड पर्सन मे कीप एंड मेंटेन सच बुक्स एंड अदर पर्टिकुलर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. सो जरूरी नहीं है कि हम बही खाता वगैरह यूज करें एंड ऑल द स्टफ. इवन तो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, सो कितने सारे सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑल दो स्टफ. इवन इफ द बुक्स आर मेंटेन इन योर टैली, बिजी, सैप, कुछ भी, तो दैट इज एक्सेप्टेबल एज यू आर मेंटेन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नाउ जस्ट नाउ वी हैव रीड ओनली पहला सबसेक्शन. नाउ इट कम्स 35 सबसेक्शन 2. व्हाट इट सेज, वो कहते हैं द ओनर्स और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस और गोडाउन और एनी अदर प्लेस यूज फॉर गुड्स एंड एवरी ट्रांसपोर्टर इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी एंड अदर डिटेल ऑफ गुड्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप लोगों के क्लाइंट्स वगैरह ट्रांसपोर्टर हैं या फिर गोडाउन वगैरह हैं, तो प्लीज डू मेंटेन विद देम द कंसाइनर एंड रिकॉर्ड ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी विद देम, बिकॉज व्हाट हैपेंस कि अगर ये मेंटेन नहीं है, दे विल स्टेट दैट द मटेरियल माइट बी बिलोंग टू द ट्रांसपोर्टर और अ वेयरहाउस. सो इसलिए इट इज वेरी मच कंपल्सरी कि द वेयर हाउस ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्टर शुड बी द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स. एक टू पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू द डिस्पैच, मूवमेंट, रिसिप्ट एंड डिस्पोजेबल ऑफ गुड्स अलॉन्ग विद डिटेल ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी. द कमिश्नर मे नोटिफाई अ क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन द एडिशनल अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड देन. Where the commissioner considered that any class of taxable person is not in a position to keep and maintain accounts and record with provision of this section, he may for reason record and write permit such taxable person to maintain. So fourth subsection क्या कहता है कि commissioner अगर किसी को चाहेगा तो वो classified person को बोल सकता है कि आप books अगर पूरा maintain नहीं कर सकते हैं तो you just keep 2 to 3 things like sale, purchase और आपके cash balance at least. So that power has been given to the commissioner. But sir, this is very important section, I must say you, because यहाँ पे क्या है कि officers आजकल पूछ रहे हैं कि आपके branches हैं कितने हैं, and generally वो head office नहीं जाते हैं, वो सीधा branch ही जाते हैं. So please, if any one like having any client or something, जहाँ पे books आपके centralized हैं, so start giving them access to their respective branches. Let's suppose say मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि let's suppose say यहाँ पे मेरी एक showroom है, let's suppose say garments वगैरह के, and I have 5 branches. तो मुझे इस तरह से plan करना है कि अगर मैं South X में मेरा head office है and sorry एंड मेरा एक्सेसिबल मेरा जो दूसरा ब्रांच है वो लेट्स सपोज से लाजपत नगर में है, तो मैं सिर्फ लाजपत नगर वाले को उस
उसके जितने इनवॉइस हो सकते हैं एटलीस्ट उसके एक्सेस के राइट्स उसे दे सकूं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सो दैट कल को कमिश्नर या ऑफिसर कोई भी आता है फ्रॉम द डिपार्टमेंट, सो दे कैन शो दैट द प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, बिकॉज सर प्रोविजंस काफी टफ हो चुके हैं एंड द नॉन कंप्लायंस मे कॉस्ट अस अ ह्यूज अमाउंट. यहाँ तक सर जो छठा क्लॉज है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज एच ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सबसेक्शन 17, वेयर द पर्सन फेल्स to account for the goods or record in accordance with the provision of subsection 1, the proper officer shall determine the amount tax payable on the goods or services or both that are not accounted for, as if such goods or services or both has been supplied by such provisions, and shall be mutandis apply for the determination of. Iska kya matlab hai ye pure English ka? The takeaway from here is the records for good return of. Free sample, good stolen, and ITC to be reversed, and the proper documentation should be kept, else interest and penalty has to be paid. Sir, हम जितने भी goods return off कर रहे हैं, free samples हैं, या goods stolen हैं, ITC reverse करना है, उसके proper documentation वगैरह होने जरूरी हैं, वरना section provision 73 and 74 there are really of very tough sections जहाँ पे आपको interest and penalty pay करना पड़ेगा, and officers and the department are like they want revenue from anyhow and at any cost. So the documentation अगर आपके proper है and you have a valid reason to show the goods return of free sample and all those stuff, then I think हम यहाँ पे बच पाएंगे 73 एंड 74 से, एल्स वो क्लियरली मेंशन कर देगा कि यू आर लायबल फॉर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी एनी डाउट. सर आई हैव पोस्टेड अ क्वेरी इन चैट बॉक्स. Sure. Sir, if any branch is not registered and officer visited that branch and goods lying in that branch, then which section of? So, वो आपको सीधे section 73 and 74 में आपके goods को वो confiscate कर लेगा sir. और कॉन्फिस्केशन सर देखिए वो पहले सबसे पहले आपके पास सीधे 130 पे नहीं जाएगा, वो आपके सबसे पहले इसके 74 और 73 में जाएगा. रीजन इसके भी रीजन ये है कि 130 आपका एक्सट्रीम केसेस में जाता है. Now what is happening is कि आपका वो 132 में भी ले जा सकता है, जहाँ पे वो बोलता है कि आप तो बेनिफिट ले रहे हो with बेनिफिट कैसे, बाय नॉट शोइंग दिस पर्टिकुलर गुड्स इन योर रिकॉर्ड और नॉट शोइंग दिस प्लेस एज अ रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस. सो सेक्शन 132 आई थिंक इज एन अप्रोप्रिएट सेक्शन जहाँ पे वो आपको penalty proceedings and all those stuff कर सकता है. In case of an IT company which is completely working from home, then if it is okay if maintain all the documents. Yeah. I mean, see that's what I'm saying. That in case of IT company, you are saying that the complete work from home, that is fine. And electronically maintain, so it is acceptable. Thank you, sir. So any further questions? Yeah, we shall move.
So let's move towards the next question, next part. So यहाँ पे है कि जो books हैं, right, वो कितने time के लिए period के लिए maintain करना है. So it says कि every registered person आपको 72 months from the due date of furnishing of annual return for the period pertaining to such accounts and records. So क्या मतलब है 72 months from the due date of furnishing of annual return. So मैंने एक example देने की कोशिश करी है यहाँ पे कि let's suppose say the due date of furnishing of annual return for financial year 20 and 21 is 28 Feb 2022, ठीक है. तो फिर 72 months बोले उसने, इसका मतलब 6 साल. Then the period for which the books of account has been maintained shall be 28 Feb 2028. यानी financial year तो खत्म हो गया आपका 31 मार्च 2021 में. उसके annual returns यानी GSTR 9 आपने फाइल करे हैं 28 Feb 2022, तो वहां से 6 साल, दैट कम्स टू 28 Feb 2028. तो यहां तक आपको मेंटेन करना है. प्रोविजो क्या है? प्रोविजो इज रजिस्टर्ड पर्सन हु इज अ पार्टी टू एन अपील और रिविजन और एनी अदर प्रोसीडिंग बिफोर एनी एपिलेट अथॉरिटी or a revisional authority or an appellate tribunal or a court, whether filed by him or by commissioner, ठीक है, or is under investigation for an offence under chapter 12, shall retain the books of accounts and other record pertaining to subject matter of such appeal or revision or proceeding to an investigation for a period of 1 year after final year of disposable of such year or revision. सर इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो? वो कह रहा है कि ये तो हो गया नॉर्मल प्रोविजंस, राइट, आपको एक साल और मेंटेन करना है इन केस, आपको एक साल और मेंटेन करना है इन केस अगर आप इन्वेस्टिगेशन वगैरह में जा रहे हैं या अपील वगैरह में जा रहे हैं, तो आपको एक साल फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ असेसमेंट और वॉट एवर इट इज, वहां से एक साल और मेंटेन करना पड़ेगा. सो यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क. So just allow me 1 minute. या सो इस प्रोविजन में किसी को डाउट है सर? सिंपली है, कोई बहुत बड़ा प्रोविजन नहीं है. इट सेज सिंपली कि आपको 72 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ एनुअल रिटर्न्स, बस हमें यह वर्ड याद रखना है कि एनुअल रिटर्न से आपको 6 साल मेंटेन करना है. सर चलते हैं जीएसटी रिटर्न्स पे.
जीएसटी रिटर्न्स मेरे सेक्शन 37 से लेके 48 तक है. सो लाइक कितने सेक्शन हो गए सर मेरे? 11 सेक्शंस. इसमें सबसे पहले है सेक्शन 37, आपके बात करता है आउटवर्ड सप्लाई, 38 इनवर्ड सप्लाई, 39 में हम रिटर्न, 40 में फर्स्ट रिटर्न्स, एंड 41 में इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजनल क्रेडिट, 42 में मैचिंग, 41 the detail of all outward supplies of goods and services made during the period. The due date is monthly by 11th of every month. क्वार्टरली है देन 30th ऑफ एवरी फॉलोइंग क्वार्टर. जीएसटीआर 2A इट कंटेन ऑल द डिटेल ऑफ गुड्स इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज परचेजेस मेड फ्रॉम जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड. सो जीएसटीआर 2 में व्हाट इज जीएसटीआर 2? ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड इन दिस. एंड इन जीएसटीआर 2B द ITC डिटेल will be covered from date of filing. Yeah, ye close kar dena. The GSTR 2B is a very important thing which we should remember here. Meri jo ITC hai aaj ke date mein, input tax credit, it depends on my GST, the amount reflecting in my GSTR 2B. जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट हियर इज रिफ्लेक्टेड. आपका रिफ्लेक्ट वो 30 से होता है लेकिन वो डाउनलोडिंग एंड ऑल दो स्टफ वो आपके 14th को होगा. सो डोंट बी कन्फ्यूज कि जनरली तो 14th को दिखता है, वो 14th को दिखता है बट रिफ्लेक्शन आपको 13th को होना स्टार्ट हो जाता है. रिपोर्ट्स एंड ऑल दो स्टफ आपके 14th से ही डाउनलोड होते हैं. 3B as all you know, 3B मेरा normal return file करने की dates हैं, sales and input की summary है basically, that what is the sales reported in GSTR 1 versus my sales reported in GSTR 3B and input I am claiming. So basically this is in summary and 20th is every, for every month 20th is the due date. GSTR 6 is nothing but an ISD. जिस किसी के पास भी ISD है उसके लिए ड्यू डेट है 30th ऑफ एवरी मंथ. GSTR 7 में क्या होता है, आपके टैक्स डिडक्टेड सोर्स. अगर आपके व्हाट आई फील इज, अगर आपके गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं देन व्हाट दे कैन डू इज कि आपके वो 1% TDS काट सकते हैं एज एन CGST एंड 1% SGST. अगर वो IGST में फॉल कर रहे हैं तो फिर आई थिंक सो GSTR returns. अब आते हैं 8. सो 8 इज बेसिकली इज यहाँ पे TCS की रिटर्न जाती है. सो TCS की रिटर्न जनरली आपके ई कॉमर्स कंपनीज पे करती हैं. व्हाट हैपेंस हियर इज दैट अ मंथली ई रिटर्न इज बीन फाइल्ड अंडर द GST. द ड्यू डेट फॉर द सेम इज 10th ऑफ एवरी मंथ. सो 11th आपकी ड्यू डेट है राइट आपकी, मतलब GSTR 1 की. जो GSTR 8 है फॉर दैट मंथ द ड्यू डेट इज 11th. आपके 9 की ड्यू डेट्स जनरली 31st दिसंबर ऑफ द ईयर एंड 9C की भी सेम है. ओनली एक्सेप्शनल ईयर इज दैट ओनली एक्सेप्शन हियर इज कि आपके जो 9 है 9 एंड 9C है
उसमें एक एक्सेप्शनल ये आ गया कि 2 करोड़ से कम है अगर आपके एनुअल टर्नओवर, देन आपको एनुअल रिटर्न्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न्स में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी। मैं एक बार दोबारा फ्लो चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट रिटर्न इज GSTR 1, ये मेरी सेल्स आउटवर्ड की डिटेल जाती है। GSTR 2 क्या है, मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट विच मे नॉट बी एलिजिबल। GSTR 2 भी आपका दैट एलिजिबल क्रेडिट इज बीन मेंटेन, एंड GSTR 3 भी ये आपके एन मंथली रिटर्न है इन विच एक्चुअली यू डिस्चार्ज योर लाइबिलिटी। GSTR 6 इज माई ISD रिटर्न। GSTR 7 है TDS, इनकम टैक्स नहीं है, GST का TDS है। GSTR 8 इज माई TCS, अगेन इन अंडर GST। 9 and 9C इज माई एनुअल रिटर्न। सर अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। For registration, who is liable for registration? Every supplier shall be liable for registration under this act, where he makes a supply of goods or services or both, if his aggregate turnover in the financial exceed 20 lakhs. So वो कहते हैं कि registration हर किसी को लेना है क्या? Because मैं as an individual हूँ, ठीक है, मैंने छोटा सा काम किया and I take a bunch of rupees, let's suppose say 20,000 rupees, तो क्या GST registration लेना पड़ेगा? The answer is no. आपको registration तभी लेना है जब आपका total turnover या aggregate turnover आपका 20 लाख से ज़्यादा कर रहा हो in a financial year. Provided, पहला provide हो क्या है वो? वो कहता है कि provided that the where such person makes a taxable supply of goods or services or both from any of the special category. सर कुछ states में उन्होंने limit कम कर दी है। वो states आपके seven sisters कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, जहाँ पे limit है आपकी 10 लाख। Provided also that the government may at the request of the state on the recommendation of the council. वो क्या बोलते हैं, अभी तो 20 से 40 हो चुका है limit, right? सो वो लिमिट कैसे बढ़ी है? वो आपकी लिमिट बढ़ी है इसके वजह से। सो दिस इज द लाइन जहाँ पे वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल मतलब GST काउंसिल एनहांस द एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम 20 टू नॉट एक्सेडिंग 40 लाख रुपीज। 40 लाख से अबव की नहीं लिमिटेशन जाएगी, दैट इज एट द फुल। Now, every person who on the date immediately preceding the appointed date is registered or holder and license shall be liable. वो कहते हैं कि जी आप अगर VAT वगैरह में registered थे तो आप immediately आप registrations ले लो। The last point is where a business is carried out by the taxable person registered under this act is transferred whether on account of succession or any other to another person as a going concern. अगर going concern जा रहा है, बिजनेस ट्रांसफर हो रहे हैं, बिजनेस सेल आउट हो रहे हैं, तो वो GST नंबर भी आपको नए बिजनेस के लिए लेना पड़ेगा। सो दीज आर द रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या होती हैं सर? अगर लेट्स सपोज से पहला क्या है, द पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। मैं बैठा हूँ दिल्ली में एज एन CA, मैं अपने क्लाइंट को दे रहा हूँ गुड़गांव में सर्विसेज, चाहे वो 500 रुपये की सर्विस क्यों ना हो, I have to take a registration for the same. Interstate के लिए कोई limit नहीं है, so you have to take the registration. Casual taxable person, you have to take the registration. Reverse charge pay करना हो, आपका reverse charge मुझे लगता है covered हो गया होगा पिछले sessions में,
अगर आपको रिवर्स चार्ज पे करना है देन यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन. ई कॉमर्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है. एक अभी एग्जेम्पशन ज़रूर आई है, इट इज़ द लेटेस्ट नोटिफिकेशन जहाँ पे उन्होंने ई कॉमर्स को एग्जेम्प्ट किया है फ्रॉम टेकिंग अ रजिस्ट्रेशन, बट देर इज सर्टेन लिमिट दैट इज ऑफ आई थिंक 20 lakh rupees. The person who are required to deduct the tax under section 51 वो भी अभी compulsory है. The person who makes taxable supply of goods or services on behalf of other taxable person whether as an agent or otherwise. ISD compulsory registration है, फिर e-commerce के लिए भी compulsory registration है, फिर online data retrieval services है उनके लिए भी registration compulsory है. And such other person or class of person as notified by the government. अगर कोई person notified किया जाता है तो उसके लिए भी GST registration compulsory है. So these are the compulsory registrations. आप voluntary जाके ले लो, कोई मना ही नहीं है, department मना नहीं कर रहा है, but subject to कि आप compliance complete करो because the provisions are very much strict nowadays. कि अगर आप returns file नहीं करते हैं एक कभी तो वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इन्वोक कर देते हैं. सो बट कीपिंग इन दैट इन टू द माइंड, आप रजिस्ट्रेशन अगर लो तो यू हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस. सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई वांट टू डिस्कस हियर इज द इनपुट क्लेम्ड इन शुड बी रिकनसाइल्ड विद द अमाउंट रिफ्लेक्टिंग इन GSTR 2B. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जितना भी इनपुट क्लेम कर रहे हैं दैट शुड बी रिकनसाइल्ड विद माय GSTR 2B, वरना आपको नोटिसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे. सो प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप इनपुट क्लेम कर रहे हैं दैट शुड रिकनसाइल्ड विद योर GSTR 2B ऑफ अर एक्सपेक्टिव मंथ. फिर GST पेड ऑन इम्पोर्ट कैन बी क्लेम्ड बेस्ड ऑन बिल ऑफ एंट्री फाइल्ड. जो आपके बिल ऑफ एंट्री है, कभी कभी क्या होता है कि आपका इम्पोर्ट किया आपने बट वो GSTR 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस आप उसे बिल ऑफ एंट्री अगर फाइल कर चुके हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं. फिर GST paid on advances to the vendor need to be claimed when supply has been received. सर अगर मैं किसी वेंडर को CA राज शाह जी पूछते हैं कैन वी टेक 2 GST number within same state for different businesses. Can we take 2 GST number within same state for the different businesses? So, देखिए आपको GST number allot होता है आपका PAN based पे. अगर PAN एक है, ठीक है, तो आपके एक state में दो registrations तो नहीं होंगे, या तो वो एक एक्टिव और एक इनएक्टिव हो जाएगा अपने आप अगर आप दूसरे GST नंबर ले जाते हो. वैसे तो वो जैसे ही आप करने जाओगे, ऑल दो डिफरेंट बिजनेस लेग हैं आपके, ठीक है, बट आपको उसमें ही अमेंडमेंट कराना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग आपका GST है इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ न्यू रजिस्ट्रेशन. Claiming of GST input on ITC paid for the purpose of filing quarterly basis. आपके challenges आ सकते हैं जहाँ पे आपके GST filing quarterly basis पे हो. Cross charge to the branches, ये आप एक बार जरूर देख लें प्लीज कि आपके cross charge क्या other locations पे हो रहे हैं. Self invoicing पर RCM जहाँ पे reverse charge के cases हैं, क्या हम self invoicing कर रहे हैं, that is very much important. आपके जो GST नंबर है विथ एड्रेस वो आपके वर्क प्लेस पे डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज 25,000 rupees की पेनल्टी है अगर ये डिस्प्ले नहीं हुआ तो. वर्क प्लेस शुड प्रॉपरली बी देयर विद द GST नंबर एंड एड्रेस. पेनल्टी फॉर ईच माइनर एरर, आपके इनवॉइसेस में भी अगर एरर है तो वो 10,000 की पेनल्टी एंड ऑल दो स्टफ लग जाएगा उस पर. सो ये सारी टेक अवे पॉइंट्स हैं विच यू कैन रिकमेंड टू योर क्लाइंट और योर बिजनेस प्लेस और वेयर एवर यू आर वर्किंग.
because these are something which are really very important and ye sari cheeze humse skip ho jati hain generally. So any question from any side, I'm happy to answer. That's all from my side. Sir, I have a question. Can I ask? Yeah, Ayush. Sir, in your previous slide, it was written that the limit for IC is 2 crore. I think it's 5 crores. So, in which slide? Your voice is not audible, Ayush. Can you just ping on that particular chat? On the slide where you were saying mentioning the written form GSTR 99C and before this one, sir. Yes, sir, on this slide only. Mm-hmm. So you're saying it's mentioned that from 9. Mm-hmm. Sir, on 9C, the limit is 5 crore or 2? Yeah, that's my mistake. It's 5 crore. Yes, you are right. I forgot to update here. Okay, sir. And one more thing I need to ask you, sir. In the previous query, you have mentioned that a single proprietor should form. An individual can not take the two decisions in a state or two different businesses. But, sir, on practical way, I don't know the under which section it prohibits to take the two registration for so basically businesses. So basically, whenever you will go to apply for a new registration, right? There is a PAN verification, right? So in a PAN verification, yes. In a PAN verification, practically what happens that there is no such restriction. I am saying that will be make a complicated to you as well by minting two different registration in a particular state. Yes, sir, but that can be physical, sir, because I am doing so, and there is no case of that. No, that is feasible. I'm not saying it is not feasible. What I'm trying to say here is that instead of going for a new registration, right, adding a new business in an existing GSTN will make your compliance and the control more effective than maintaining a two different registrations, because the two returns will be filed, two books of accounts has to be maintained, two assessments has to be happened. That's true, sir. That's true. Yeah. So that's what I'm saying, that from the compliance as well as from the business perspective, instead of making a new registration, we should always be on a focus that let's add the new business in my existing GSTN for a particular state. One more query I have to ask you, sir. Is there I'm belonging from the Delhi, and in UP there is a Kumbh Mela, and I need to I have a tender over there, and it's just allotted by the government that you can have your business there for a short period of time, for a month or 15 days, how long the Kumbh Mela is going on. So what kind of registration I need to take? Is there any provision for casual registration or something like You have to take a registration as in casual taxpayer right there. And it will be for the period of 90 days. So you have to apply for a registration there. And every compliance is like a GSTR once, maybe I have to file same returns for that. Yeah. Okay. Thank you, sir.
Any other question from any person here? Okay, I think there is no questions. So this is my contact number and email ID, which has been mentioned here. Whosoever has any query or any discussion, of course, this slide will be shared with you, all the participants who are being there for the time. So any query relating to anything, not just only this topic, any topic, I will be happy to answer your queries and try my best to justify your query. So thanks a lot again to all, and a good evening. And sir, can I ask more queries, sir? If there is no short of time, sir. Yeah, please. What kind of document we are required to keep because we are maintaining the accounts on the receipt basis? Mm-hmm. Sorry, your question I didn't get. Receipt basis पे maintain करते हैं, तो हमें क्या documents उसके लिए maintain करने पड़ेंगे? अगर आप रिसिप्ट बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं तो सिंपल, आप जब रिसिप्ट आ गए तब सेल काट रहे होंगे, राइट? तो आप वो इनवॉइस मेंटेन करिए, रिसिप्ट जो रिसिप्ट वाउचर एक होता है वो मेंटेन करिए, एंड जो परचेजेस वगैरह या सेल वगैरह, मतलब परचेजेस एंड ऑल दो स्टफ है वो मेंटेन करिए. जर्नल बुक्स आपको मेंटेन करने हैं, विच शुड हैव अ सम बेस. Okay, thank you all. Thank you all for joining here. So I think we should wrap up this. Thanks all members to join here. Thanks. Thank you all. Sumit sir, can we leave?